यार वो एक शॉप ओपन थी और वो भी अब बंद हो जाएगी यार, ये अच्छा नहीं हुआ। और मेरी साइकिल नहीं मिल रही और डॉर्म बंद हो जाएगा थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। अच्छा, रात को सोते सोते बहुत देर होगी क्योंकि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे पता नहीं कि क्या चीजें बाय करनी है, तो इसलिए मैं जरा ट्रांसलेशन और रिफ्रेश में ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। एनी हाउ अभी ऑलमोस्ट 10:30 हो रहे हैं, 11 बजे यहाँ से बस निकलनी है, रजा ने वापस जाना है न्यू कैंपस, तो हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं। जो ब्रेकफास्ट करने के लिए कुछ ऑप्शन अवेलेबल है, एक ये है कैंटीन है, उसके अलावा आई थिंक द अदर प्लेसेस आर क्लोज, वी कैन जस्ट गो टू द कैंटीन और दिस वन और कैंटीन Both are option 5. And we have one canteen here. Do you remember the food that they gave us in quarantine? That was coming from this place. They have rice. Just see if you like it. The entrance is also the same. No, it's the entrance door, not the exit. Ah, the first character is exit and that one is enter. But that looks like man, you know, run. All the other shops are really closed. This is the only option we have. All good? Oh, that's me. Ni hao. How are you? Yeah, thank you. See, he knows a lot of English now. Yeah. Okay, let's just get some. We have tried this one before. It's the same time. Each time you will eat it, it's pretty much the same thing. Yeah, chocolate. Yeah, but Snickers is really good. Break it in half. Break it. ब्रेकफास्ट अभी हम लोग बस की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, तो बस वाला प्लान ना कैंसिल हो गया क्योंकि अब मसूद भाई आ रहे हैं, हम लोग उनके साथ मिलेंगे और फिर ये लोग कट्ठे चले जाएंगे। मैं शायद मेडिकल सेंटर जाऊंगा, अभी वहाँ से रिपोर्ट लेकर आऊंगा, थोड़ा नहाऊंगा। देयर इज अ बस, द वन दैट यू वर सपोज टू गो विद। ओके, वी आर एट द बैंक एंड आई नीड टू ट्रांसफर सम मनी इनसाइड माय कार्ड, सो एंड लेट्स सी, यस कंफर्म द ट्रांसफर एंड आई थिंक इट्स डन। अब वी नीड टू टेक द कार्ड, आई विल काउंट द मनी। हमने कप खरीदना, डिस्पोजेबल कप। नो, अभी हम ना दूसरी दफा बैंक से होके आए हैं क्योंकि जब पहली दफा मैंने पैसे ट्रांसफर किए ना $400 अपने अकाउंट में, तो वो इजीली ट्रांसफर हो गए, लेकिन वहां से जब मैं उसे वी चैट में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा था ना, तो वो एरर थ्रो कर रहा था कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। फिर वहां से हमने पैसे विदड्रॉ करवाने की कोशिश की, वो विदड्रॉ नहीं हुए। फिर अली पे ट्रांसफर करने की कोशिश की, वहां पे भी नहीं हुए। तो फाइनली फिर हमने क्या किया कि बैंक गए हैं, टोकन नंबर लिया, उसके पास बैठे और उसने हमारा अकाउंट दोबारा एक्टिव किया। मुझे एक मिनट के लिए लगा कि कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मेरा वीजा एक्सपायर्ड है और आज मैंने वीजा एक्सटेंशन के लिए जाना है। एनी हाउ हमने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी किया और रूम में जाके कुछ खाना शाना खाएंगे, चाय पियेंगे, थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे और उसके बाद ना शिफ्टिंग करनी है और PS भी जाना है, मेडिकल रिपोर्ट पिक करनी है और लंबा दिन है आज। हम लोग वापस रूम में गए थे, मैंने कपड़े चेंज किए हैं क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैं नहाया नहीं था। अब मैं जा रहा हूँ मेडिकल सेंटर, वहां से मैंने अपना मेडिकल कलेक्ट करना है और मेडिकल कलेक्ट करने के बाद PSB जाना है। PSB बेसिकली पुलिस स्टेशन होता है, वहां पे जाके अपने रजिस्ट्रेशन करनी है, अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने। डॉक्यूमेंट जो हमने कल लिए थे वो मेरे पास है, पासपोर्ट मेरे पास है, पैसे मेरे पास फोन में है, इंटरनेट है, ग्लव्स ले लेंगे क्योंकि शायद साइकिल चलानी पड़ेगी रस्ते में। यार ये जो इतनी सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है ना, ये अजाब है। वो है बस स्टॉप। चलो हम लोग इस वक्त बस का वेट कर रहे हैं। हम लोग बाहर होते हैं, शोर बहुत ज्यादा होता है और फिर ना कुछ सुनाई नहीं देता, तो इसलिए यहाँ पे हम बस का वेट करेंगे। बस आएगी मुझे, हमने 24 नंबर बस पे जाना है। ओके, वी नीड टू गो। ना बस से उतर गए हैं और हमने PSB जाना है। PSB यहाँ से थोड़ा सा दूर है और मेरे बाल बाहर निकलना स्टार्ट हो गया, मुझे लग रहा है मैं फोन ही उतार दूंगा थोड़ी देर में, लेकिन मुझे पासपोर्ट की फोटो कॉपी चाहिए, मुझे कुछ और चीजें चाहिए और मैं इसे उतार दूंगा। इट डजंट वर्क समटाइम्स, सो या बाल अभी भी थोड़े गीले हैं। एनी हाउ हम PSP के ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे पिक्चर्स बनवा लेंगे, वहाँ से फिर डॉक्यूमेंट्स पकड़ लेंगे, फिर आगे चलेंगे। ओके, वो है PSP नहीं है, ये है मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर। यहाँ पे हम आए थे 3-4 दिन पहले, अगर आपको याद हो, अगर आप लॉग्स फॉलो करें नहीं करें तो क्या फर्क पड़ता है यार, लाइफ चलती रहती है। मैं इधर कुछ ज्यादा जल्दी आ गया और ये बंद है, 2 बजे खुलेगा। ओके, आई थिंक आई सॉ, आई फाउंड द आईफिल टावर। अच्छा, तो मेडिकल सेंटर से हम लोग आगे और इस वक्त हम पुलिस स्टेशन के पास है। मेरे साथ 2 लोग और हैं, ये अच्छे लोग हैं, एक सोनम है और एक शाहमान है। एंड आई एम नॉट रियली श्योर व्हाई दे हैव ट्रीज कवर्ड इन दिस स्टफ, बट इट वर्क्स फाइन। अब हम लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे, हम 3 लोग हैं, मेरे पास मेडिकल सर्टिफिकेट में से एक डॉक्यूमेंट मिसिंग है। थैंक यू
अच्छा तो हम लोगों ने ना अपना वीजा एक्सटेंशन और रेजिडेंट परमिट के लिए डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए हैं और अब हम लोग वापस जा रहे हैं। वो पुलिस स्टेशन है ना, हमने एक एक दो अच्छी पिक्चर्स ली हैं, हमारे पास फोटोग्राफर है, लाइक ही इज रियली गुड फोटोग्राफर, ही टेक्स रियली गुड पिक्चर्स। एंड नाउ देयर आर टू ऑप्शंस, वी कैन ईदर टेक द बाइसिकल या फिर हम लोग मेट्रो ले, क्योंकि कल हमने मेट्रो ली थी उसमें जलालत बहुत ज्यादा है, तो हम लोग बाइसिकल ले। वी आर ऑलमोस्ट एट द यूनिवर्सिटी, तो हम लोग ना ऑलमोस्ट वापस आ गए। मैं इस साइकिल पे हूं तो पता नहीं फूल गिरना या टेंशन बहुत ज्यादा होती है ना, गरीब लोग पहली दफा फूल खरीदा अच्छे वाला। सो हम लोग ना सो गए थे और लास्ट बस निकलती है 9 बजे और रजा ने अब जाना है। ओके कम नो आई डोंट वांट टू गो, ओके गुड बाय। तो हम लोग टाइम पे पहुंच गए थे, वो लोग बस पे चढ़ गए हैं, मैं वापस रूम जाऊंगा, मेरी मीटिंग है एक सीनियर के साथ, क्योंकि हमने डिस्कस करना है थीसिस प्रपोजल से रिलेटेड कुछ चीजें और हम वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद अल्लाह हाफिज़। दैट्स द बस इवेंट, तो अब हम वापस डॉर्म जाएंगे। अच्छा तो मेरी अभी ना जुल्फिकर भाई के साथ मीटिंग खत्म हुई है और मुझे रियलाइज हो रहा था कि शायद देर हो गई है, 11 बज चुके हैं, बहुत ज्यादा देर हो गई है। मे भी अगर रेस्टोरेंट ओपन हुआ ना तो हम वहाँ से डिनर के लिए कुछ ले लेंगे, लेकिन अगर नहीं ओपन हुआ तो क्या कर सकते हैं। अगर वहाँ पे टाइम पे पहुंच गया तो मुझे पे खा लेंगे, नहीं तो तौबा करवा के रूम में रहेंगे, हम तौबा करवा लेंगे, डिश नहीं लेना था, कभी कभी जल्दी बंद हो जाता है, तो 11:30 जल्दी बंद हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो अभी बाहर जाते हैं, जल्दी वापस आते हैं, लाइक 15-20 मिनट साइकिल ले लेंगे। अच्छा तो शॉप बंद हो गई है और खाने को नहीं मिला यार, डिनर मिस हो गया। मैं अगर लिटरली 30 मिनट पहले मीटिंग एंड कर लेता ना तो मैं डिनर कर सकता था। आज का पूरा दिन इतना फजूल टाइप का गुजर गया खाने के लिहाज से, ब्रेकफास्ट में चावल खाए, शुक्र है थोड़े से पड़े हुए थे, मैं सोच रहा था फेंक देता हूँ, लेकिन जो बचे हुए चावल थे मैंने फेंके नहीं है। ये लेफ्ट साइड में एक बिल्डिंग टूटी हुई है, इट डजंट रियली मैटर, द थिंग दैट मैटर इज के डिनर नहीं किया। लेट्स सी अगर ब्रेड, यार वो एक शॉप ओपन थी और वो भी अब बंद हो जाएगी, यार ये अच्छा नहीं हुआ। और मुझे साइकिल नहीं मिल रही और डॉर्म बंद हो जाएगा थोड़ी देर में, तो सब गड़बड़ हो जाएगी। मुझे साइकिल ढूंढने दो, यहाँ पे कुछ लगी हुई है लेकिन ये दूसरी कंपनी की है, मुझे ब्लू कलर की चाहिए। यार शिट, मैंनी बाइक्स लेकिन इनमें से एक भी वो नहीं है जो मुझे चाहिए। The one that I can use. 24/7 वाली शॉप मिली और मैं सोच रहा हूँ इनमें से ना तो ये एक बेकरी प्रोडक्ट ले लेते हैं। See, one of these will work. I think this one looks good. तो मैंने उस जगह से ना दोनों चीजें खरीदी हैं और ये वही साइकिल है, इसी को लेते हैं और यूनिवर्सिटी चलते हैं। आपको शॉपर के लिए पे करना पड़ता है, मेरे पास पैसे नहीं थे इतने ज्यादा, तो मैंने पॉकेट में दोनों चीजें डाल ली है और अब हम लोग चलेंगे वापिस आ गए रूम में। मैं पहुंच तो गया हूँ और अब चूंकि हम लोग बहुत ज्यादा मुसलमान है और इसमें मीट नहीं है लेकिन इसमें हैम है, हैम नहीं है, चिकन स्टीक, चिकन स्टेक सैंडविच है, ठीक है। हम इसमें से चिकन बाई निकाल देंगे और बाकी हम एग और वो खा लेंगे। यू नो अभी भी हमारे अंदर का मुसलमान जिंदा है। हमने थोड़ा अपना तवा गर्म किया, नजर तो नहीं आ रहा होगा, यहाँ की चीनी इतनी फीकी है, इतनी फीकी चीनी है, यहाँ पे अगर आप 4 चम्मचे चीनी डालो ना फिर जाके चीनी ठीक होती है। हमने ये वाली चीनी ली थी कुछ दिन पहले और ये भी थोड़ी सी पड़ी हुई है लेकिन फजूल है, फजूल बहुत फजूल। मैं इसकी 2-3 पिक्चर्स ले लूँ और मेरे ख्याल से व्लॉग एंड करते हैं। आज काफी कुछ कर लिया हमने यार, काफी कुछ हमने कर लिया, अच्छी बात है। मुझे जुल्फिकर भाई से कॉल करके अच्छा लगा, मैं उसका एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा जो हमारे सीनियर से हमारी बात हुई। तो कल मिलते हैं।